आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक। महंगाई पर काबू पाने के लिए वित्त मंत्रालय ने 7 कमोडिटीज की वायदा ट्रेडिंग पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाने के फिलहाल निर्देश दिए हैं। सेबी ने आदेश सभी पर 1 साल के लिए रोक लगा दी है। सरकार को उम्मीद है कि इससे महंगाई काबू में आएगी। इस साल इन 7 कमोडिटीज में जैसे कि चावल, गेहूं, सरसों, चना, मूंग, कच्चा पाम, सोयाबीन ऑयल, इन सभी कमोडिटीज के ऊपर 1 साल के लिए सरकार ने फिलहाल रोक लगा दी है। ये रोक 1 साल के लिए मान्य होगी। गौरतलब है कि कंज्यूमर इन्फ्लेशन 3 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है। कंज्यूमर इन्फ्लेशन की दर 4.91% पर पहुंच चुकी है, जबकि होलसेल इन्फ्लेशन 12 साल के सबसे उच्चतम स्तर पर है। होलसेल इन्फ्लेशन की दर 14.23% पर दिखाई दे रही है। इस बढ़ती महंगाई को देखते ही सरकार ने तुरंत प्रभाव से ये रोक लगा दी है। सरकार को बढ़ती कीमतों की वजह से विपक्ष की तरफ से दरअसल दबाव झेलना पड़ रहा है। सरकार पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में होने वाले चुनावों के बीच महंगाई का मुद्दा विपक्ष के हाथ नहीं देना चाहती, जिसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने फिलहाल ये कदम उठाए हैं। गौरतलब है कि नवंबर महीने में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 3 महीने के ऊंचे स्तर पर पहुंच चुका है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा एक्साइज ड्यूटी में दी गई राहत का भी महंगाई पर कोई असर होता दिखाई नहीं पड़ा है। बाजार दिग्गजों का कहना है कि घरेलू मुद्रा की लगातार कमजोर होती स्थिति खुदरा बाजार पर महंगाई का दबाव और बढ़ा सकता है। इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए सरकार ने फिलहाल चावल, गेहूं, सरसों, चना, मूंग, कच्चा पाम, सोयाबीन ऑयल जैसी हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम वाली कमोडिटीज की वायदा पर फिलहाल रोक लगा दी है, ताकि इससे महंगाई को राहत मिल सके। वहीं धान, गेहूं, सोयाबीन, कच्चा पाम तेल और मूंग के लिए नए अनुबंधों की शुरुआत पर नियामक ने अगले आदेश तक रोक लगा दी है। सूची में चना और सरसों के बीज और इसके डेरिवेटिव भी शामिल हैं। इन जिंसों में डेरिवेटिव अनुबंधों को इस साल की शुरुआत में निलंबित कर दिया गया था। पहले से चल रहे अनुबंधों के संबंध में कोई भी नया सौदा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और केवल सौदे को पूरा करने की अनुमति होगी। बयान के मुताबिक ये निर्देश 1 साल के लिए लागू होंगे। ऐसे में अब व्यापारियों के अंदर ये डर का माहौल है कि ऐसे में कमोडिटी बाजार पर इसका क्या असर आता दिखाई देगा। दरअसल बढ़ती महंगाई को रोकने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है, ताकि कीमतों को नीचे लाया जा सके। जिस तरीके से कीमतें बढ़ रही थी उन पर कंट्रोल करने के लिए विपक्ष को कोई भी मुद्दा ना मिले, इसलिए सरकार ने इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया है। ऐसे में अब कमोडिटी बाजार पर इसका असर कैसा दिखाई देगा। दरअसल जैसे ही ये खबर निकल कर आई उसके बाद से कमोडिटी बाजार में बड़ी हलचल देखने को मिली है और एग्री कमोडिटीज में सभी कमोडिटीज आज लाल निशान के साथ कारोबार करती दिखाई दे रही हैं और सोयाबीन की हालत तो बहुत ज्यादा पतली है, यानी ऊपर से भाव लगभग 6% तक सुबह टूट चुके थे। अब हल्की रिकवरी आई है, लेकिन अभी भी गिरावट 5% तक देखने को मिल रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस खबर के चलते फिलहाल कुछ दिनों तक कमोडिटी बाजार में दबाव देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके कारोबार के लिए फंड और लोन जुटाने तक बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।